हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने चाह रहे हैं जी केक। इसका प्रोसीजर है जी थोड़ा लंबा प्रोसेस जो भी है, तो ये हम करेंगे जी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर मैं इकट्ठा बताया तो फिर आपको होएगी कंफ्यूजन। सो कई बार इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, सो मैं वही करूँगी जो मुझे लगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको ईजी पड़ेगा। सो इसके लिए चाहिए हमें जी, आप पहले क्वांटिटी लिख लें पहले एक स्टेप की। जो इसके लिए चाहिए हमें 2 कप ऐसे वाली मैदा, और साथ में चाहिए हमें जो मिल्क पाउडर होता है वो चाहिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 कप मैदा। साथ में चाहिए हमें जी, ये मैंने क्या किया अभी, एक कप शुगर ली थी उसको मैंने पीस लिया, ऐसे पाउडर बना लिया है इसका। तो इसके जो पहले स्टेप में जो वो बता बता रही हूँ, यह तो उसके लिए आपको चाहिए साथ बेकिंग पाउडर और चाहिए जी बेकिंग सोडा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, पूरा सामान रेडी करके रख लेते हैं, तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सो हम लेंगे जी, इसमें खुले में जी सही रहेगा, खुले बर्तन में। सो मैंने जी ले लिया है जी ऐसे बॉल, और उसमें जाएगा जी हम रखेंगे छन्नी। छन्नी में हम डालेंगे जी 2 कप, देखें, एक और दो। ये मैंने 2 कप मैदा डाल लिया है, और साथ में डालूंगी मैं 2 चम्मच जो है मिल्क पाउडर। ये बिल्कुल जी एगलेस केक है, ये बनेगा तो आप ट्राई करना। इसमें डालेंगे जो 1 कप मैंने शुगर ली थी, कि मैं कप में मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ, 1 कप मैंने शुगर ली थी उसको मैंने पीस लिया था। तो यही जो मैदे वाला कप है ना जिससे मैंने मैदा मेजर किया वही है ये कप। ये देखें मैंने 1 कप पूरा निकाल लिया शुगर। सो करना क्या है, इसको रखते हैं साइड पे। तो इसमें डालेंगे जी हम जो बेकिंग पाउडर है वो डालेंगे जी हम आधा चम्मच इतना, देखिए थोड़ा सा और साथ में डालूंगी जी मैं बेकिंग सोडा, ये भी इतना ही डालेंगे, थोड़ा सा उससे कम रख लेंगे। जी होगी जी क्वांटिटी, मैं आपको बता दूं, कुछ कई बार कई कई लोगों को समझ में नहीं आता कि जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जी एक है या दो है, लेकिन ये 2 है जी। ये जो सोडा है बायोकार्बोनेट सोडा और ये बेकिंग पाउडर है, ये दोनों ही मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं ये। और अभी क्या करेंगे, इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे इसके बीच में पाउडर सभी जो मटीरियल, तो आपको ईजी रहेगा जब इसके लिए छान लेंगे ऐसे। जी जब छान लेंगे तो जो कुछ भी मोटा डली वगैरह होती है इसमें बन जाती है, तो इकट्ठा सा जैसे हो जाता है, तो वो नहीं रहेगा, वो हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा, वो मैदे में ही होता है। और ये मैंने जी निकाल दिया है, इसको जैसे ऐसे मिक्स करके रख लेंगे जी एक साइड। अच्छा, जे हमने पूरा मिक्स कर लिया है, अभी जे स्टेप तो हो गया हमारा कंप्लीट, तो इसको रखेंगे साइड पे। और दूसरा है जो जे देखिए, मैंने एक बॉल लिया है ऐसे, बॉल लेके उसमें डालूंगी मैं जी 1 कप दूध। जो ये दूध है जो नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है उस पे मैंने पहले फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, तो बाद में मैंने रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ दिया था, वैसा होएगा, ठंडा नहीं ज्यादा लेंगे। 1 कप हमने दूध लिया, इसमें डालेंगे जी 2 चम्मच जो लाइम जूस या लेमन जूस भी ले सकते हैं, दूध दूध डालेंगे 1 और 2, इसको करेंगे जी मिक्स, इसको रख देंगे साइड पे। अच्छा, अब
भी क्या करना है हमने, जो जी है ये सोडा रख लेंगे इधर, साथ ही साथ कंफ्यूज ना होंगे फिर, हमने पूरा सामान साथ ही साथ उठाते जाएंगे। और इसमें जी जो पाउडर है उसमें मैं डालना भूल गई हूँ जी, इतना सिर्फ सॉल्ट डालना है साथ, इतना बिल्कुल इसको मिक्स कर देना है। इसके बीच में मिक्स कर देना है और ये भी रखेंगे हम सॉल्ट को अपनी जगह पे। ये मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ये है इसका लंबा सा है काम, अगर मैं इकट्ठा बता देती तो आपको कंफ्यूजन होती, इसलिए मैं साथ साथ उठा के बर्तन भी साइड पे रखती जाती हूँ ताकि आपको कुछ समझने में आसानी रहे, प्रॉब्लम ना आए। सो अभी हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे इतने मैंने लिए बादाम, ठीक है, बादाम को हम करेंगे छोटे छोटे पीस इसमें। मेरे पास है जी ये, मैं इसको इधर रखूंगी, कपड़ा है मेरे पास, इसको जी, हमें एक फ्राई पैन लेना है, ये देखिए फ्राई पैन को रखना है इधर। ये करना क्या है जी, आगे मुझे अभी आ जाएं जी, अभी ये दूध है जो और लेमन है इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी ऐसे मिक्स करके। सो 10 मिनट के बाद हम जी मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। सो इसको रखेंगे साइड पे और मैदे को हमने पूरा मटेरियल डाल के मिक्स कर लिया है, जो मैदा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और मिल्क पाउडर है इसमें, और थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट है, और साथ में है जी शुगर, ये मैंने मिक्स करके एक साइड पे रख लिया है। और आगे हम क्या करने वाले हैं जी, गैस को करेंगे ऑन। इसमें मैं लूंगी जी, ये देखें अभी मैं जी इसकी सॉस बनाने जा रही हूँ, एक आधा कप मैं लूंगी जी शुगर, ये मैं करूंगी आधा कप करूंगी इसमें ऐड, मुझे थोड़ी सी और चाहिए, थोड़ी सी बिल्कुल। तो इसको रखेंगे साइड पे, कप उठा लेंगे और इसको करेंगे भी हम गरम शुगर को। आधा कप हमने चीनी ली थी और आधा कप ऐसे काट के रख के देख लेना, थोड़ा सा बटर, जैसे आधी टिक्की में बटर की डालूंगी इसमें जी, ऊपर सॉस के लिए ही है जस्ट, हमें हमारे पास थोड़ा भी बना सकते हो और डिपेंड है, मुझे आधा कप जी मैंने लिया, आधी टिक्की ले ली है मैंने बटर की, जी 250 ग्राम वाली टिक्की है, 100-250 ग्राम में से आधा मैंने निकाल लिया है जी। अभी ये शुगर होएगी हमारी, जब ये ब्राउन सी होने लगेगी, अभी ये मेल्ट हो रही है गर्म आंच पे, बातें नहीं कर सकती क्योंकि ये काम करने वाला है ध्यान से, बहुत केयरफुली, ये थोड़ा भी स्टेप भूल गई तो केक नहीं बनेगा। ये
ट्राई, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, काफ़ी स्टेप हैं इसमें, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। इसके लिए मैंने स्लोली स्लोली आपको दिखाना शुरू कर दिया है कि पहले मैंने पाउडर और ये सब पाउडर वाला एक साइड पे रख लिया मैदा बना के, और दूसरा जो दूध है वो मैंने रख दिया जी। 10 मिनट के बाद वो दूध फटने लगेगा, वो फटा हुआ दूध हम उसके बीच में डालेंगे। ये है जी बटर स्कॉच है, ये घर पे बनाएंगे हम ऐसे। मैंने ट्राई किया था और मेरी किसी फ्रेंड से मैंने सीखा था और मुझे ये लगा था बहुत अच्छा। मैंने सोचा काफ़ी टाइम के बाद मैं ट्राई कर रही हूँ दोबारा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये अगर अच्छा बनेगा तो आप जरूर ट्राई करके देखना। ये हमारी भी शुगर होना शुरू होगी जी मेल्ट। ये देखें मेल्ट हो रही है शुगर। इसको ऐसे बस हिलाते जाना है, जब ब्राउन सी हो जाए तो जी। मैं पहले इसके लिए बना रही हूँ, लेकिन मैंने बनाना था वैसे बाद में, क्योंकि मैं मुझे दिखाना था आपको कि दूध जब रखेंगे तो 10 मिनट उसको चाहिए फटने के लिए। सो जो जब दूध दही जैसा बन जाएगा, इसके लिए मैंने, क्योंकि ये तो एंड बाद का प्रोसीजर है, बाद में जो हमने सजाना है उसको, केक को, इसके लिए है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है इसके साथ अभी। तो हम क्या करेंगे, हमारी होगी जी शुगर, बिल्कुल हो गई जी हमारी शुगर मेल्ट। शुगर ऐसे हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसके बीच में डाल देना है जी बटर, ये वाला। बटर डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको रेडी कर लेते हैं। तो इसके बीच में बिछाऊंगी जो मैं छोटा सा पेपर, अल्मीनियम पेपर भी आप ले सकते हो, तो इसको कम आंच पे बनने देना है। ऐसे लूंगी जो अल्मीनियम पेपर, इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल और बटर लगाऊंगी। तेल लगा लेते हैं क्योंकि बटर मेरा थोड़ा वो है, बटर भी आप लगा सकते हैं, बटर लगा के ऐसे नीचे भी चिपके नहीं। अच्छा ये हो गया जी, अब हमारा ब्राउन जो जी बादाम थे वो मैं इसके बीच में मिक्स करूंगी। ऐसे जाग सी आएगी, आप ये अगर जाग आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये खराब नहीं हो रहा है, ये अभी मेल्ट ही हो रहा है, उसके बीच में मिक्स हो रहा है अच्छे से। जैसे हम वो गच्चकनी बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, तो वो ये वही चीज़ है, लेकिन ये एक वो टॉफी सी बन जाती है, जैसे बटर वाली जैसे कैडबरी होती है, वैसा टेस्ट आ जाता है उसका। हमारे जी 10 मिनट हो गए हैं उसको रखे हुए दूध को, तो ये हमारा जी बन गया है, इसको हम निकाल देंगे। आपने देखना जब ये छोड़ना शुरू हो जाए ना,
जाग बैठ जाए ऐसा हो जाए तो निकाल देना है। अभी जो ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने क्या किया है थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिया है, मैंने दूध पूरा नहीं धोया है क्योंकि मुझे ये दोबारा चाहिए। फिर ये वाला मैं रखूंगी ऐसे ही ठंडा होने तक। अभी आगे हमें क्या करना है कि अभी देखते हैं, अभी इसको मैं करने लगी हूँ स्टार्ट। रखते हैं सभी सामान। ये जो है जी दही जो बन गया हमारा, दही जैसे बन गया देखिए ऐसे कूप से बन गया इसमें। तो इसको क्या करेंगे जी, हम इसमें डालेंगे अभी जो ये मैंने ऑयल लिया था, ऑयल जी ऑलिव ऑयल, आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल आपको जो अच्छा लगता है। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ ज़्यादा तो मैंने ये ही लिया है। सो मैंने इसमें आधा कप जो ऑयल डाल दिया है जो दूध था उसमें, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो भी हमने डाल दिया है इसमें, सो ये क्या करेंगे हम इस मटेरियल में डाल लेंगे, साथ ही ऐसे मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसकी गुठली ना सी ना रह जाए। ये बन गया जी हमारा ऐसा मटेरियल। अभी क्या करना है आगे मैं बताती हूँ आपको। ये मिक्स करते हुए आपने कर देना जी। ये वैसे तो मैं कुकर में भी ट्राई किया था, कुकर में भी अच्छा बना, तो मैं आपको बताती हूँ कि 40 मिनट तक आप रखें 180 पे करके। 180 पे आपने करना है ओवन को ऑन और रखना है 40 मिनट के लिए। और इसको करना है जी आपने मैक्स नहीं करना, मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और ये कर देंगे जी हम ऑन, इसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा मिक्सर रेडी है, अभी क्या करना है हमें
इसको ऐसे साइडों पे लगा देना है बटर को। ये बेकिंग पेपर है इसको ऐसे नीचे बिछा देंगे और ये हम मटेरियल डालेंगे इसमें मटेरियल इसमें डाल देंगे। इसको हमने क्या करना है ऐसे लेके ऐसे करते हैं ना दबाना है कि जिस थोड़ा वो हो जाए पूरा प्लेन हो जाए थोड़ा सा ठीक है। अभी हो गया जी देखें हमारा हमने क्या करना है थोड़ा दबा देना है 35 मिनट पे रखना आप क्योंकि मैंने 5 मिनट 35 मिनट पे ही रखना आप 35 मिनट पे रख के देखते हैं अगर बाद में जरूरत पड़ी तो फिर थोड़ा टाइम ऐसे ओवन बंद कर देंगे जी। मैं 35 पे ही रखूंगी इसको 180 पे करके अच्छा जी। उसके बाद हमें क्या करना है थोड़ी सी शुगर लेनी है हाँ जी। अगला स्टेप है जी सॉरी मैं थोड़ा मतलब बिजी हो गई थी थोड़ी सी शुगर लेनी है थोड़ी सी जैसे आधे कप से थोड़ी सी इसको करेंगे जी हम ब्राउन अगेन जब ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे जी हम जी हमारे पास है क्रीम। अभी मुझे चाहिए है एक बॉल जी मैंने जी कम आंच पे रखी हुई है अभी जो हो जाएगी थोड़ी पिघलने लगेगी तो इसमें हम ऐड करेंगे बटर
ये हमारी होगी जी, देखिए ऐसे जम गई है, थोड़ी सी और रखेंगे ठंडी होने पर, थोड़ी सी और रखेंगे इसको भी। ये मैं सामने इसलिए सभी कुछ सामने ही दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना आए। अभी ठंडी थोड़ी रहती है तो हम सेंटर में से, ठंडी नहीं है जो कि चिपक रही है, तो मैं अभी थोड़ा टाइम इसकी और वेट करते हैं। ये हमारी शुगर पिघल रही है अभी, ये देखें अभी जब पिघलने लगे ऐसी हो जाए तो इसमें करेंगे हमें ऐड बटर थोड़ा सा। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, इसको बंद कर देना है। ये हमारा हो गया जी ऐसा, अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसमें भी ये क्रीम लेंगे। ये मैंने जो फ्रेश क्रीम होती है वो वाली ली है, फुल क्रीम जो होती है। ये मेरे हाथ स्लिप कर रहे हैं, सो अभी जी डालूंगी मैं जी इसमें एक बाउल में। साथ में हमें करना क्या है जी, जी अभी देखें, अभी मैं लूँगी मिक्सी अपनी जो जी मैं जिससे करती हूँ, और साथ में ये जो है करेंगे जी इसमें ऐड जो हमने, ये ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ ये ऐड इतनी इतनी बस गर्म करनी है जितनी ये जमी नहीं। ये टॉफ़ी बन गई है हमारी, इसको करेंगे इसमें ऐड। साथ साथ फैलाते जाएंगे, हमारी बन गई है जी क्रीम रेडी।
इसको इतना ही बस मिक्स करना है जब तक ये क्रीम नहीं बन जाती, ऐसा इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, नहीं तो ये पानी इसका सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। हमने क्या करना है अभी, आपको दिखाने में बताती हूँ ये वाला मैं करना चाहिए। और एक चीज मैंने और बतानी थी, जब ये हम क्रीम डाल ये वाला जो सिरप डालेंगे जो बटर और शुगर का हमने बनाया था ये टॉफी जैसा बन गया था, और इसको क्या करना है गरम गरम थोड़ा सा, बिल्कुल उसको इतना नहीं गरम करना कि चिपक जाए नीचे, जो जस्ट बटर डाल के जल्दी जल्दी जब थोड़ी सी ब्राउन होए ना तो थोड़ा सा बटर डाल के जल्दी जल्दी उसके ऊपर गला के क्रीम के बीच में उसी टाइम मिक्स कर देना है। तो जब क्रीम थोड़ी ठंडी हमने यानी फ्रिज में से निकाली थी तो वो थोड़ा थिक हो गया था, पीस सा बन गया था एकदम से, जैसे जम जाता है ऐसा हो गया था, तो आप घबराना नहीं कि वो क्यों जम गया है, उसको बीच में ही ऐसे मिक्स करते जाना है। ये बटर स्कॉच है सो इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीस आएंगे उसमें, तो वो खाने में अच्छे लगेंगे। तो ये ऐसे पूरा मिक्स हो गया है, वो दिखता नहीं है मुझे, छोटा छोटा देखें थोड़ा थोड़ा इधर से आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे पीस बन गए हैं इसमें। जे मैं रखूंगी इसको अभी फ्रिज में जब तक, क्योंकि मेरा केक रेडी होएगा तो फिर नहीं तो ये पिघल जाएगा। हाँ जी, अगला स्टेप क्या करना है जी, हमें ये अभी देखिए सूख रही है, उतरने लगा है, इसके लिए मैंने पहले नहीं निकाला क्योंकि मुझे दिखाना था आपको कि कैसा ये ऐसी बनेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। जो ज़्यादा है मेरे पास लेकिन मैं इतनी नहीं करूँगी, थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाई थी, ये खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर ज़्यादा खांसी आए तो हम मुंह में रख सकते हैं इसको शुगर को, तो इससे थोड़ी जो आपकी गले की जो नाड़ियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ड्राई नहीं होती ज़्यादा। अभी ये हो गया जी ऐसा, इसको मैं पीस लूँगी अच्छे से, ये मैं ऐसे ही रखती हूँ एक्स्ट्रा। इसको क्या करेंगे के बीच में हम पीसेंगे, मुझे इसका पाउडर सा बनाना है, जे हमें ऐसा करेंगे इसको ऐसे रख के। मैंने इसमें बादाम थोड़े ऐड किए हैं लेकिन इसमें बादाम ज़्यादा ऐड करनी है आपको, जितना मतलब आप वो कर सकते हैं, मैंने बच्चों की वजह से कम ऐड किए हैं क्योंकि उनको गला बहुत जल्दी होता है। ये वाला जो हमारा बच गया है इसको बचे हुए तो मुझे संभाल देना है ऐसे, और ये हो गया जी हमारा ऐसा पाउडर जैसा आप देख सकते हैं। अभी है जी हमारा ये भी रेडी हो गया है, जो मैंने जो चीनी और बादाम के साथ एक लच्छक जैसे उसका पाउडर सा बना लिया, तो जब ये मुंह में खाएंगे जब केक के ऊपर जाएगा तो ये बहुत अच्छा लगेगा।
और ये मैं उतार के रख लूँगी। और साथ में मैंने एक चीज़ और थोड़ी सी दिखानी थी, वो थोड़ी सी मुझे सॉस बनानी रह गई है मेरी, वो मैं अभी दिखाऊँगी। थोड़ी सी चीनी लेके, थोड़ी सी बिल्कुल मुझे ब्राउन थोड़ी सी चाहिए इसके लिए। वैसे आप क्या कर सकते हो, जो चॉकलेट नहीं होती ब्राउन चॉकलेट होती है, वो भी आपको बादाम वाली मिल ही जाती है, जो बादाम जिसके बीच में होते हैं, तो वो वाला भी आप ला के, अगर ये वाली नहीं भी बनाना चाहो तो इजी है कि वो अगर आपको ला के बनानी है तो वो खुद ऐसे दबा के तोड़ लेना है उसको, ऐसे पीस लेना है, तो वो वाली भी बहुत अच्छी है जिसके बीच में, चॉकलेट के बीच में आलमंड होते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। और जो चॉकलेट, अगर आपको ये टॉफ़ी वाला नहीं बनाना है घर पे, टॉफ़ी सॉस नहीं बनानी है, तो बाहर मिल भी जाती है, रेडीमेड भी आप ला के बना सकते हो। मेरे पास इस टाइम नहीं थी, सो मैंने इसके लिए ये खुद, मैंने सोचा कि जो घर पे हम अवेलेबल है चीज़ें उसके साथ ही हम बनाएं, कुछ ना कुछ तो बाहर ना जाना पड़े मुझे। तो अभी है जी, मैंने ये हो रही है ब्राउन, देखें। अगर आप ला सकते हो तो फिर बहुत इजी हो जाता है, कम काम होता है, आप जस्ट केक बना के रेडीमेड सभी ऊपर ले आओ सभी कुछ, तो फिर वो इजी हो जाता है। तो अगर खुद बनाओ तो ऐसे बनती है वो, जो मैं बोल रही हूँ आपको, जो सॉस ब्राउन सॉस है, टॉफी सॉस उसको बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर जो है उसके साथ ही एडजस्ट करूँ। सो थोड़ा सा जब हो गया तो मैंने इसमें बटर डाल देना है जी, इतना सा जल्दी जल्दी डालना है, क्योंकि पतली सी रखनी है, मुझे जमानी नहीं है जी। इसमें जी मुझे साफ करनी है जी ये वाली क्रीम ऐड, जल्दी जल्दी इसको हिलाते जाना है। सिरप सा बना लेना है जी इसको, वो जी हमारी सॉस होगी जी रेडी। ये देखिए पतली है ये, थोड़ा इसके बीच में ना मैं थोड़ा लेट होगी, मैं उधर से लेने जा रही थी वो क्रीम, तो आते आते जल्दी जल्दी मुझे ये उसी टाइम डालनी है। आप पहले क्रीम अपने पास ही रखना, ये देखिए ऐसी पतली रखनी है इसको, तो इसको कर देने जी बंद। जी हमारा हो गया जी रेडी, क्रीम रखेंगे फ्रिज में। तो आगे हम दिखाते हैं। हाँ जी, अभी मैंने क्या किया था, अभी 35 मिनट के लिए मैंने इसको जो हमने रखा था ओवन के बीच में, तो अभी गर्म है, मैंने निकाल लिया है उसमें से। तो हमने चेक करना है जी ऐसे लेके इसको, तो ऐसे अंदर भेजना है। अगर तो आपको लगता है कि ये गीला हो रहा है, दैट मीन्स अभी बाकी है इसका, ये सूखा हुआ है, दैट मीन्स ये बन गया है। सो अभी थोड़ा टाइम ऐसे ही रखेंगे इसको, ऐसे ही मैं क्या करूँगी कि ओवन में से सभी साइड बन गया है। सो इसको क्या करेंगे जी, ऐसे प्लेट रखनी है ऊपर और मुझे इसको पलटाना है। मैंने पलट लिया, अभी जी ये पूरा आ जाएगा बाहर, रखते हैं इधर। ये देखिए कितना अच्छा बना है, जी मेरे से ना थोड़ा सा जब मैंने पेपर ज़्यादा बड़ा रख लिया था तो वो साइडों पे चला गया था, तो कोशिश करें नीचे नीचे ही पेपर रहे, तो फिर निकालने में आसानी हो, तो ये चीज़ नहीं आएगी फिर केक के बीच में। तो वैसे तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखें जी बन गया है पूरा हमारा।
तो इसको ऐसे ही पड़ा रहने दूंगी मैं ठंडा होने तक। तो उस ठंडा होने के बाद हमने आगे वाला इसको सजाना है, आगे जो स्टेप होंगे मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, मैंने इसको जब 35 मिनट पे निकाला था केक को, तो मैं मुझे थोड़ा सा इसमें अभी कसर लगी थी कि थोड़ा सा मुझे और रख लेना चाहिए, तो मैंने 5 मिनट के लिए और लगाया था इसमें। तो ये मटेरियल हमारा हो गया जी रेडी, केक अंदर से बना हुआ है और टोटल मैंने इसके साथ इसमें जी देखें आप बिल्कुल गीला नहीं हो रहा है। अगर जो लगता है केक इसके साथ मटेरियल, तो फिर आप समझ लेना कि अंदर से अभी कच्चा है, तो फिर आप दोबारा रख सकते हो। तो मैंने तब मैंने जब चेक किया था तो एक साइड पोस की बनी हुई थी, तो थोड़ा सा इधर से लग रहा था मुझे तो अभी बना हुआ है जी। तो मैंने अभी क्या किया है इसको जी, ऐसे प्लेट मैंने ऐसे इसको काट लिया है स्लोली स्लोली करके, ये देखें। तो इसको रखेंगे जी इधर ऐसे स्लोली उठा के, ये देखें। तो अभी मैं इसको जी सजाऊंगी, हम ये डेकोरेट करेंगे इसको। जो जो केक है मटेरियल पूरा बन गया है अंदर से, तो जी मैं क्रीम लगाऊंगी इसके ऊपर ऐसे करके। और साथ ही इसमें हम डालेंगे, ये मैंने अंदर क्रीम लगा ली है, आप ठंडा होने के बाद ही लगाना, जब भी क्रीम लगाओ ना ठंडा होने के बाद ही लगाना। सो इसमें मैंने ये जो मैंने बनाया था जो बादाम डाल के मैंने इसके बीच में स्पार्कल कर देनी है। हाँ जी, हम हमारी होगी क्रीम इसके बीच में चली गई। अभी जी क्या करना है, हमने थोड़ा सा जे टॉफी इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, कहीं कहीं आएगी। इसे आती जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये वाला है पीस इसको रखना है ऊपर ऐसे करके। अभी ये जो है क्रीम हमारी, ये मैंने रखनी है इसके लिए ऊपर ऐसे बिछा देनी है। हाँ जी, हमने क्या फिर किया है जी, मैंने पूरा ऐसे क्रीम लगा ली है इसको ऐसे सजाने के लिए। तो ऐसे स्लोली स्लोली अपने ट्राई करें, स्लोली स्लोली ऐसे क्रीम लगाते जाएं, इसे ऊपर से प्लेन कर दें। ऐसे पूरे आपने क्रीम वाइट लगा लेनी है। उसके बाद जी क्या करना है, अभी इसको सजाना ही है हमने। उसके बाद जो जे वाली है जी, जे ऐसे ऊपर ऊपर स्पार्कल कर देंगे केक के, जो हमारी मैंने ये रेडी की थी। ऐसे स्पार्कल कर देंगे पूरा।
जी जो टॉफी थी वो मैंने इसके बीच में लगा दी थी। इसको साथ साथ इसको ऐसे करके सजाते जाएंगे। देख सकते हैं ये क्रीम इसमें हो गई है जी खत्म। मैं फिर से इसे निकाल लूंगी और क्रीम भरूंगी इसमें। ये थोड़ा सजाना मुश्किल काम है एंड पे, ये आप स्लोली स्लोली ही आपको वो करना पड़ेगा, अदरवाइज घर पे तो हम ऐसे भी खा सकते हैं अगर कुछ स्पेशल ओकेजन है तो। फिर ऐसे इसमें पूरा भर लिया मैंने और है जी ये मैंने कर दिया है जी। देंगे बंद, थोड़े थोड़े ऐसे फ्लावर से बनाते जाएंगे। जैसे क्रीम होगी जी अपनी, हमारी फिनिश अभी इतनी बची नहीं है। सो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा जी, आप जैसे अलग अलग इसके कोन लेके, अभी मेरे पास क्रीम बची नहीं है, अगर क्रीम बची होती तो मैं आपको डेकोरेशन पूरा करके बताती। वैसे तो ऐसे ही होना है जी, और ऐसा है जी मेरे पास, ये देखें आप ऐसे ये तीन मिलते हैं इसके साथ, तो अगर क्रीम ज़्यादा हो तो फिर हम सजा भी सकते हैं इसको पूरा। मेरे पास अभी थोड़ी है क्रीम बची और उसमें इनाफ नहीं आ रही है वो, तो ये कर देंगे जी। ये हमारा हो गया जी रेडी केक। सो इसको करेंगे जी हम पेपर के साथ साफ। हाँ जी लीजिए जी हमारा केक रेडी है अभी। जे जी बच्चे कर रहे हैं उधर वेट, तो सो मैं अभी जी लेके जाने वाली हूँ उधर जी, तो आप भी करें एंजॉय, ट्राई करें। सो ट्राई करते रहना चाहिए, अगर धीरे धीरे सभी वो हो ही जाते हैं, बन ही जाते हैं चीज़ें, तो आप ट्राई करें ज़रूर जी। थैंक यू जी वेरी मच आपका टाइम, जो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी अपना टाइम देने के लिए। और मैंने मेहनत करी है और मेहनत करके मुझे खुशी मिलती है ये चीज़ें बना के। सो आप भी करें ट्राई जी और मुझे खुशी होएगी जी। थैंक यू।